आपने सिल्क के सुंदर कपड़े तो बहुत देखे होंगे, पर इनके पीछे सिल्क वॉर्म को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। ये हैं सिल्क वॉर्म के अंडे। अंडों से निकलता है लार्वा। लार्वा को हम कैटरपिलर भी कह सकते हैं। लार्वा लगातार मलबरी लीव्स खाता रहता है। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। किसानों को इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसी वजह से सिल्क वॉर्म जंगल में नहीं पाए जाते। ये पूरी तरह से इंसानों पर डिपेंडेंट होते हैं। कुछ दिन मलबरी लीव्स खाने के बाद लार्वा अपने आसपास एक